मजा मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे कि अपाचे बाइक का जो पिछला डिस्क ब्रेक होता है उसके लिए हमारे पास कई भाई लोगों ने कहा कि आप अपाचे बाइक का डिस्क ब्रेक के विषय में बताएं और पल्सर बाइक के भी डिस्क ब्रेक के विषय में बताएं कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। तो उसके विषय में हम थोड़ी सी जो भी जानकारी जो भी अनुभव हम आपको बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, ठीक है सर। तो देखिए मेरे पास ये हमने अपाचे बाइक का ये डिस्क ब्रेक का सिस्टम खोल दिया है और इसको किस तरीके से फिट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये जो होता है ये थोड़ा कभी कभी जाम हो जाता है, तो इसको जब निकालना चाहिए तो निकाल करके इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा देना चाहिए, ठीक है, कि जिससे कि ये बिल्कुल फ्री रहे और ये यानी टाइट ना रहे, ठीक। और जैसे ये जब डिस्क ब्रेक पैड लगाया जाता है तो यहाँ पर भी इसको साफ करके और थोड़ा सा ब्रेक आयल लगा देना चाहिए, ठीक है। और जैसे क्या होता है कि आपने सब कुछ किया और इसमें डुप्लीकेट तो लगाना नहीं चाहिए, पैड जो होते हैं ओरिजिनल ही लगाइए, नहीं तो क्या होता है डुप्लीकेट में क्या होता है कि जो इसका पहिया होता है व्हील होता है वो जाम चलता है, ठीक है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि इसमें ये ओरिजिनल ही पैड डालें, डुप्लीकेट नहीं, ठीक। और जब भी इसको अंदर करना हो तो ब्रेक आयल ज़रूर लगा लें और मूवी आयल कभी ना लगाएँ, इसमें ब्रेक आयल जो होता है तो ये लगा लेते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और इसके अंदर जो धूल मिट्टी होती है उसको भी यानी वो साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखें हम इसको थोड़ा सा धीरे से प्रेस करते हैं कि अंदर को जा रहा है, ठीक। जब भी कभी आपको अगर पहिया जाम चलता है आपका और फिर ये धीरे धीरे काम करता है या रिटर्न जाता नहीं, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं जाम हो जाता, तब इसको खोल करके इसके अंदर जो ओरिंग होती है उन ओरिंग को साफ करके और सरफ से साफ करके उसके साथ साथ दांत मांजने वाले ब्रश से चारों तरफ से साफ किया जाता है, ठीक। तब वो जामपन उसका सही होता है, हम लोग इसी तरीके से करते हैं, चाहे वो पहिया आगे वाला हो चाहे पीछे वाला, उसके लिए हम वीडियो आगे चल के बनाएं। लेकिन अभी जो हमारे पास अनुभव है यानी जो हमको डिस्क ब्रेक लगाने वाला है उसके लिए बताते हैं, ठीक। और ये पत्ती अक्सर मिस्टेक हो जाती है कि भाई लोग नहीं लगा पाते हैं, अगर दुकान के बच्चे खोलते हैं तो इसको नहीं सेट कर पाते हैं, तो इस पत्ती की देखिए विशेष करके ध्यान से ये इस तरीके से सेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके सेट कर दिया जाता है, ठीक। ये भी भूल बहुत ज़्यादा होती है इसलिए भाई लोग परेशान होते हैं या जो भाई लोग पंचर बनाते हैं वो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि ये पत्ती कैसे लगाएं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसमें ग्रीस लगा लेते हैं, ग्रीस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीस लगा देते हैं, देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर हल्के से ग्रीस लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये ग्रीस ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम लोग यानी जब डिस मेजर किट आती है तो उसमें कंपनी ग्रीस देती है, ठीक। तो वो ग्रीस क्या होता है कि वो ग्रीस ज़्यादातर रबड़ को ख़राब नहीं करती है, तो ज़्यादातर वो ही ग्रीस लगाना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक पत्ती यहाँ पर होती है, उस पत्ती को देखिए इस तरीके से सेट कर लेना चाहिए, ठीक। पत्ती देखिए निकल जा रही है और हम इसको ठीक है, देखें रबड़ हमने थोड़ा प्रेस किया अंदर चली गई, इधर भी प्रेस किया अंदर बैठ गया, ठीक। अब ये इस तरीके से पूरी तरह बैठ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों इसको हमने क्या किया इस तरीके से, ये सेट कर देते हैं और इसी तरीके से दूसरे को भी हम सेट कर देते हैं, ठीक। देखिए भाई लोग हम इस समय जहाँ पर हैं जहाँ हमारी पुरानी दुकान है, ठीक है। इसके क्या हुआ कि हमने यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ हमको ये लगाना है, ये होता बिल्कुल सिंपल है पर बहुत सारे भाई लोग क्या होता है ये जो पत्ती होती है इस पत्ती में मिस्टेक करते हैं और भाई लोग फिर खोजते हैं फिर परेशान होते हैं, इसलिए हमने ये बताना ज़रूरी समझा। बाकी हमें मालूम है भाई कि बहुत सारे हमारे जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उन सभी लोगों को मालूम है,
लेकिन हमें मालूम है कि बहुत सारे भाई लोगों को मालूम है, बहुत सारे भाई लोगों को नहीं मालूम है, तो उन्हीं लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और जिनको मालूम है वो कम से कम उनको मालूम रहेगा तो उनके द्वारा यानी उन्हें कोई समस्या नहीं होती, पर जो भाई लोग हमारे पास जैसे कमेंट किया है उन लोगों को समस्या होती है, या उन भाई लोग जो बिल्कुल नए होते हैं, या जो लोग पंचर की दुकान होती है कभी कभी वो लोग भी पहिया खोल के पंचर बनाते हैं तब भी उन्हें परेशानी होती है, और वो फिर क्या करेंगे। तो थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो देखे रहेंगे तो उनको कोई समस्या नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमने ये कर दिया, और पहिया भी हम आपको बांध के दिखाते हैं। अब ये टाइट हो गया, ठीक, अब हम इसको पहिए में लगा करके तब दिखाते हैं इस तरीके से। देखिए अब हमने यहाँ पर ये लगा दिया, हाँ, इसके अंदर जो है ये बुश लगाना है, ठीक है, बुश थोड़ा सा आसानी से नहीं लगता है इसलिए थोड़ा सा, देखिए बुश पहले, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक यानी इसके लिए ये जो पॉइंट बना होता है, दिखाते हैं ये पॉइंट जो बना हुआ है, देखिए ये पॉइंट जो बना है ये इसके अंदर घुस जाता है, ठीक, अंदर जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये वाला सिरा जो होता है ये वाला इस तरीके से, ठीक, और उसके बेस पर यानी हम लोग पहिए को अंदर कर देते हैं उसके अनुसार, और फिर ये सेट हो जाता है। देखिए हमने उधर साइड बुश लगा दिया और इधर साइड ये, अब हम इसको क्या करते हैं पहिए का एक्सल थोड़ा सा उधर से प्रेस करते हैं, और फिर देखिए इस तरीके, अब हम इसको क्या करते हैं पहिया टाइट करके तब दिखाते हैं आपको। अब देखिए हमने इसका पहिए को टाइट कर दिया, ठीक है, यानी हमने पहिए को टाइट कर दिया, ठीक, अब देखिए ब्रेक भी लगा रहे हैं ये फ्री, यानी अब ये ठीक। अब दोस्तों इसको विशेष करके ध्यान देना चाहिए, ये भी ज़्यादा कटी नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा कटी तो फिर इसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होता है, ठीक, क्योंकि ग्रिपिंग क्या होता है पूरी तरह बराबर बैठता तो सही ब्रेक लगता है, और जब ज़्यादा कट जाती है तो उसको चेंज ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों जो भी अनुभव था, हमने जो भी आप लोगों के लिए उचित समझा उस वीडियो का हमने चाहा कि आप लोगों को बताएं और शेयर करें, और उसीलिए हमने वीडियो बनाना चाहा। चाहेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हमारे भाई आप लोग सभी सब्सक्राइबर भाई लोगों का हम धन्यवाद करते हैं और थैंक यू कहते हैं कि आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों।